WhatsApp ने लास्ट वन वीक में जब से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी रोल आउट की है तब से मार्केट में बहुत कांड हो गया है भाई। तब से बहुत लोग WhatsApp छोड़ के सिग्नल टेलीग्राम जैसे ऑल्टरनेटिव मैसेजिंग एप्लीकेशन ट्राई कर रहे हैं और इसी वजह से सिग्नल और टेलीग्राम Google Play Store और App Store में टॉप फ्री रैंक्ड ऐप्स में अब आते हैं। WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ के बहुत लोगों को लगा कि WhatsApp जो है अब उनके चैट्स पढ़ेगा, उनके जो भी डेटा है उसे सेल करेगा दूसरे थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को। बहुत मिसकंसेप्शन है। इतनी जो क्रिटिसिज्म WhatsApp को मिली है उस नई प्राइवेसी पॉलिसी को रोल आउट करने के बाद, उसके बाद कंपनी ने आज एक नया FAQ पब्लिश किया है जिसमें उसने बताया है कि एग्जैक्टली उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी का क्या मतलब है। बहुत क्लैरिफिकेशंस हैं लेकिन कुछ कैच भी है जो शायद बहुत लोग मिस कर जाएं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि WhatsApp की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उससे आप एज ए कंज्यूमर कैसे अफेक्ट होते हैं, आपका डेटा कैसे WhatsApp यूज़ करेगा, क्या आपका डेटा Facebook से शेयर किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो देखिएगा। लेकिन उसके पहले नमस्ते गाइज, मैं हूँ राजेश, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए वो ये है कि WhatsApp आपके पर्सनल चैट्स को नहीं पढ़ पाएगा। जो भी मैसेजेस आप अपने फ्रेंड्स को करते हो, फैमिली को करते हो, ग्रुप चैट में करते हो, ये सारे मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं और इसे WhatsApp और Facebook चाह के भी नहीं पढ़ सकते। जी हाँ, इवन Facebook को आपके WhatsApp मैसेजेस का कोई भी किसी भी तरह से एक्सेस नहीं है। ठीक इसी तरह जो भी आपके कॉल लॉग्स हैं, चैट लॉग्स हैं, मीडिया फाइल्स हैं, जो भी लोकेशन आप शेयर करते हो WhatsApp में, ये सब ना ही WhatsApp और ना ही Facebook के पास एक्सेस है। तो आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना है कि WhatsApp आपके चैट्स पढ़ पाएगा या फिर Facebook आपके चैट्स पढ़ पाएगा। ये किसी भी सिनेरियो में नए प्राइवेसी पॉलिसी में भी क्लियर कर दिया गया है कि पॉसिबल नहीं है। आपके जो भी मैसेजेस हैं WhatsApp पे, ये भी WhatsApp अपने सर्वर में सेव नहीं करता है। ये सारे मैसेजेस खाली जब तक डिलीवर नहीं हो रहे हैं तब तक में भी Facebook आप अपने सर्वर में सेव करेगा, अदरवाइज नहीं। सो सपोज आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं वो किसी कारण से ऑफलाइन है या WhatsApp का सर्वर डाउन है तो ये मैसेजेस WhatsApp के सर्वर पे थोड़े टाइम के लिए सेव हो जाते हैं, लेकिन डिलीवर होने के बाद ये डिलीट हो जाते हैं। कोई भी अनडिलीवर्ड मैसेज WhatsApp अपने सर्वर में 30 डेज के लिए रखता है और उसे उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। एंड क्यों? कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कि आपके जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, मतलब इधर से भी एक ताला है और जिसे मिल रहा है उधर से भी एक ताला है, और इस ताले की चाबी आपका फोन है। तो WhatsApp और Facebook के पास इस ताले की चाबी नहीं है तो वो लोग चाह के भी इसे नहीं पढ़ पाएंगे। एक बात समझ लीजिएगा पर कि WhatsApp जो है उसे आपके फोन का जो कॉन्टैक्ट बुक है, यानी कि जो आपका फोन बुक है, उसका पूरा एक्सेस रहता है, और ये जो डेटा है ये WhatsApp Facebook के साथ भी शेयर करता है। ये नई प्राइवेसी पॉलिसी के साथ रोल आउट नहीं हो रहा, ये ऑलरेडी रोल्ड आउट है। तो ऑलरेडी WhatsApp के पास आपके फोन बुक का डेटा है जो उसके सर्वर में स्टोर्ड है, एंड ये डेटा वो Facebook से भी शेयर करता है। जो सेकेंड मेजर इशू है वो ये है कि WhatsApp जो है वो डेटा Facebook के साथ शेयर करेगा। वेल, ये इशू नहीं है बिकॉज WhatsApp ऑलरेडी Facebook के साथ डेटा शेयर कर रहा है, एंड सिर्फ Facebook के साथ ही नहीं, Facebook एंड Facebook ओन्ड कंपनीज, तो Instagram, Oculus और जितने भी कंपनीज को Facebook ओन करता है WhatsApp को इन सबका डेटा एक्सेस मिलता है। क्या डेटा एक्सेस मिलता है? आपका नेम, जो भी आपका अकाउंट नेम है, आपका फ़ोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, जैसे कि WhatsApp पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सर्विस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कैसे आप WhatsApp और Facebook सर्विसेज से इंटरेक्ट करते हो, दूसरे बिजनेसेस के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो WhatsApp पे, आपकी मोबाइल की डेटा, जैसे कि कौन सा मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, उसकी IP इन्फॉर्मेशन, ये सारे डेटा जो है ये सब WhatsApp, Facebook और Instagram और जो भी Facebook ओन्ड कंपनीज है उनके साथ शेयर करता है। ऑलरेडी नई जो प्राइवेसी पॉलिसी उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये डेटा शेयरिंग जो है बहुत टाइम से ही हो रही है। एंड इसीलिए जब भी आप किसी नए कॉन्टैक्ट को अपने फोन बुक में ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली Facebook में ऐड एज अ फ्रेंड में उसका सजेशन आ जाता है, बिकॉज ये जो डेटा शेयरिंग है ना, ये डेटा शेयरिंग पीछे चल रहा है बैकग्राउंड में। तो एग्जैक्टली चेंज क्या किया है WhatsApp ने अपने नए प्राइवेसी पॉलिसी में? वेल, WhatsApp पे बहुत बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप मे बी अपने किराने वाले दुकान वालों से बात करते होगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं,
आप कोई मर्चेंडाइज खरीदते हो व्हाट्सएप के थ्रू, टी शर्ट, मे बी कोई टॉय, बहुत कुछ होता है व्हाट्सएप पे ऑल ओवर इंडिया में. ऑल ओवर इंडिया ही क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड में व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर हो चुका है यूएसए छोड़ के, एंड हर ही जगह व्हाट्सएप के थ्रू बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. एंड इसी एक्सपीरियंस को व्हाट्सएप थोड़ा बेटर करना चाहता है कि बिजनेसेस कंज्यूमर्स के साथ व्हाट्सएप पे थोड़ा बेटर वे में इंटरेक्ट कर पाएं, एक बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले. एंड इसीलिए व्हाट्सएप जो है बिजनेसेस को देगा एक नया टूल का एक्सेस. ये जो टूल है ये फेसबुक द्वारा डेवलप्ड है, एंड ये जो सर्विस सॉल्यूशन टूल होगा इससे क्या होगा ना कि बिजनेसेस जो हैं वो कंज्यूमर से ज़्यादा इजीली व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्ट कर पाएंगे. अब देखो, छोटा मोटा किसी का बिजनेस है तो उसे दिन में मे बी व्हाट्सएप पर 5-10 मैसेजेस आएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है से गूगल ही सपोज करिए आप, तो उसका व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आप देखोगे तो कम से कम ऑन अ डेली एवरेज में भी लाखों मैसेजेस आएंगे. तो ऑब्वियसली कोई एक सिंगल आदमी तो बैठ के इन सब को रिप्लाई कर नहीं सकता, तो ये पूरा ऑटोमेटेड रहता है, इसके लिए बैक एंड में टूल्स रहते हैं. तो ऐसा ही जो टूल है जो कि फेसबुक द्वारा डेवलप्ड है, ऑलरेडी फेसबुक मैसेंजर पे ये टूल यूज़ होता है, इंस्टाग्राम पे यूज़ होता है, तो ऐसा टूल व्हाट्सएप एक्सेस देगा बिजनेसेस को अपने प्लेटफॉर्म पे. एंड जब ये एक्सेस मिलेगा तो अब बिजनेसेस के साथ आपका कुछ चैट होता है. सपोज आप एक्स वाई जेड से कुछ खरीद रहे हो व्हाट्सएप पे, सब ट्रांजैक्शन हो गया, आपने फिर एक्स वाई जेड को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई आपका सामान मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड एक्स वाई जेड जो बिजनेस है वो इसे यूज़ कर लेता है, जो आपका कमेंट है कि सामान आपने बहुत अच्छा भेजा है, इसे यूज़ कर लेता है एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए इंक्लूडिंग ऑन फेसबुक. तो यही चीज़ जो है व्हाट्सएप अपने नए प्राइवेसी पॉलिसी के साथ स्टेट करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है कि बिजनेसेस जो हैं जो कि फेसबुक का सर्विस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, वो हो सकता है कि चैट डेटा जो है उसे यूज़ करें एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए. इसमें व्हाट्सएप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई चैट जो है वो आपको और बिजनेस के बीच में हो रहा है, तो टेक्निकली अगर बिजनेस उसे एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो बिजनेस वाले को पूछना चाहिए आपसे कि वो यूज़ कर सकता है कि नहीं. व्हाट्सएप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए ये ज़रूर बता रहा है कि जब भी आप किसी बिजनेस से चैट करने जाते हो जो कि फेसबुक का सोल्यूशन यूज़ कर रहा है, सर्विस सोल्यूशन, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट मैसेज करने के पहले आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि ये जो बिजनेस है ये एक चैट सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है फेसबुक द्वारा, तो आपका जो डेटा है थोड़ा बहुत और जो भी चैट है वो सब वो शेयर कर सकता है एडवर्टाइजर्स के साथ एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए. अगर कोई बिजनेस से आप ऑलरेडी बात कर रहे हो और सपोज करो कि 1-2 साल बाद जाके वो फिर इस बिजनेस सॉल्यूशन पे शिफ्ट करता है, तो भी जब आप उससे फर्स्ट टाइम शिफ्ट होने के बाद मैसेज करोगे तब भी आपको व्हाट्सएप ये नोटिफिकेशन देगा कि बॉस ये जो बिजनेस है ये अब फेसबुक द्वारा एक सर्विस सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है. इन केस आप कंफर्टेबल नहीं हो कि कोई बिजनेस जो है आपका चैट यूज़ करे एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए, तो आप उस बिजनेस से व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट मत करो. तो यहाँ पे क्या है कि फिर ये पूरा जो साइकिल है वो चलेगा ही नहीं. व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक शॉप का भी मेंशन है और इसका इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो वेल अगर आप देखोगे तो लास्ट 1-2 साल में फेसबुक ने बहुत सारे टूल्स रोल आउट किए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, एंड इसी टूल्स को अब फेसबुक जो है इंटीग्रेट करना चाहता है व्हाट्सएप से, जो कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी स्टेट करती है. फेसबुक में है फेसबुक शॉप का एक फीचर जिसमें कि एक बिजनेस अपने सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है, एंड इसके इंटीग्रेशन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे होने के कारण क्या होगा कि आप डायरेक्टली जब भी कोई बिजनेस से आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को देख सकोगे डायरेक्टली विद इन व्हाट्सएप. आपको फेसबुक पे जाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड फिर जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली विद इन व्हाट्सएप हो जाएगा. इंडिया में तो व्हाट्सएप पे भी है, तो आप सोचो कि आपको कुछ खरीदना है, आप व्हाट्सएप के अंदर ही देख सकते हो कि अच्छा इस बिजनेस के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो पसंद आता है आप सेलेक्ट करो, व्हाट्सएप पे के द्वारा पेमेंट करो, हो गया. एंटायर ट्रांजैक्शन हैपेंस विद इन फेसबुक्स ओन इकोसिस्टम जो कि यहाँ पे प्लॉय है फेसबुक का. अब ये जो आपका पूरा एक इंटरेक्शन होगा बिजनेस का व्हाट्सएप पे फेसबुक शॉप द्वारा, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, ये सारा जो डेटा है और एक्टिविटी लिस्ट है ये सब जाएगा फेसबुक के पास, जिससे कि वो आपको डिलीवर कर पाएगा एक पर्सनलाइज्ड एड एक्सपीरियंस ना सिर्फ फेसबुक पे बट इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे ओन करता है. सो आप देख रहे हो 3 मेजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों को जब एक कंपनी ओन करता है तो डेटा शेयरिंग करके वो कैसे आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दे सकता है. अब पर्सनलाइज्ड एड्स एग्जैक्टली क्या है, वेल अगर आप अभी गूगल पर जाके मैकबुक के लिए सर्च करते हो, फिर अगर आप फेसबुक खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी एड्स दिखेंगे ना वो मैकबुक के लिए या मैकबुक के एक्सेसरीज को लेके दिखेंगे. इसे बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एड्स. ये आपकी सर्च एक्टिविटी, यूज़र एक्टिविटी, ये सब पे बेस्ड है. तो इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट बेसिक प्रिमाइस यहाँ पे यही है कि आपको जो खरीदना है उसे उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखाए जाए, ताकि
आप अल्टीमेटली टेम्पटेशन में शायद गिव इन करके जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो वो आप खरीद लो। इससे एडवर्टाइजर्स का भी फायदा है बिकॉज फिर उनका कन्वर्जन रेट जो है वो बेटर हो जाता है। एंड यहाँ पे फेसबुक अपने जो एड बिजनेस है उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक शॉप इंटीग्रेशन का मेंशन कर रहा है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली उसका एंड गोल यही है। ठीक इसी तरह अगर सपोज करो आप किसी बिजनेस को सर्च करते हो फेसबुक में, तो वहाँ पे आपको अभी तो मैसेंजर का बटन दिखता है, लेकिन वहाँ पे कभी अब बाद में आपको व्हाट्सएप का भी एक बटन दिखेगा। अगर आप उस बटन को प्रेस करके उस बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करते हो ओवर व्हाट्सएप, तो फेसबुक को ये डेटा भी मिलेगा, जिससे कि अगेन वो आपको एक पर्सनलाइज एड एक्सपीरियंस दे पाएगा। तो ये हो गया व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का ब्रेकडाउन। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये सिर्फ इंडियन व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। व्हाट्सएप और फेसबुक चाह के भी ईयू में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कंज्यूमर गाइडलाइंस हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेके जो कि इंडिया में नहीं है। और इसी वजह से व्हाट्सएप और फेसबुक यहाँ पे ये नए प्राइवेसी पॉलिसी अपनी रोल आउट कर पा रही है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इट इज़ बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस एज इंडियन कंज्यूमर्स। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं, अगर हमें नहीं पसंद आता है तो फेसबुक ने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया है कि February 8, 2021 तक अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप ने डाली है, जो क्लैरिफिकेशन डाला है, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है तो आप व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में चेंज कर सकते हो 30 डेज तक। आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट जब आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ ये मेंशन नहीं किया गया कि आपका अकाउंट डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की भी आप कह सकते हो कि गलती है, क्योंकि कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कुछ है नहीं यहाँ पे, तो उसके बिना जो कंपनीज चाहें वो कर सकती हैं। एज अ कंज्यूमर अब हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं एंड होप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज इसे नोटिस करें, व्हाट्सएप और फेसबुक का फिर थोड़ा टाइट इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी हो एंड शायद ये लोग ये फिर प्राइवेसी पॉलिसी को रोल बैक कर लें। एक चीज़ है कि भले ही आपको अभी लग रहा हो कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो उतनी ख़राब नहीं है, फेसबुक बिजनेस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन पर्सनली मैं आपको कह सकता हूँ कि फेसबुक के साथ जितना आप कम डेटा शेयर करेंगे उतना बेटर है। इफ़ देयर इज वन सोशल मीडिया नेटवर्क, कोई एक ऐसी कंपनी या फिर जिसके साथ मैं डेटा शेयर नहीं करना चाहूँगा, दैट विल बी फेसबुक। सो सिंस फेसबुक ऑलरेडी ओन्स व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, तो ये सेम चीज़ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है। आप नहीं जानेंगे कि फेसबुक किस तरह से जो भी डेटा एक्यूमुलेट करता है उससे कैसे आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट कर सकता है। एड्स ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल हुआ था US में उसका परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आप शिफ्ट कर सकते हो सिग्नल और टेलीग्राम पे डेफिनेटली करो, ना सिर्फ इस वजह से कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी खराब है, पर इस वजह से भी कि सिग्नल और टेलीग्राम में और भी बेटर फीचर्स हैं, इस वजह से वो एक सुपीरियर एक्सपीरियंस ऑफर करेंगे मैसेजिंग का। व्हाट्सएप इंडिया में बहुत बड़ा हो चुका है एंड आई नो बहुत लोग अभी सिग्नल टेलीग्राम पे शिफ्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन एक दो हफ्तों का बात है सब फिर ऑटोमेटिकली वापस व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेसी को वैल्यू करते हो तो व्हाट्सएप यूज़ करो, करना ही पड़ेगा इंडिया में इतना बड़ा जो है, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम इसके साथ डेटा शेयर करो। जैसे मैंने तो पर्सनली अपने किसी भी फ़ोन में फेसबुक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ही नहीं रखा है। अगर मुझे फेसबुक यूज़ करना भी होता है तो मैं अपने ब्राउज़र से facebook.com पे जाके एक्सेस करता हूँ। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप टेलीग्राम या सिग्नल पे शिफ्ट कर रहे हो तो ये हमें कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।